देश के तीन बड़े बैंकों ने अपने ग्राहकों को होली से पहले बड़ा झटका दिया है। SBI, ICICI और PNB ने आम आदमी पर कर्ज का बोझ बढ़ाते हुए ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। अगर आपने भी इन तीनों में से किसी भी बैंक से लोन ले रखा है तो अब आपको किस्त के रूप में ज्यादा पैसा चुकाने पड़ेंगे। बैंकों के इस कदम से होम लोन महंगा हो गया है और आपकी EMI आज से बढ़ गई है। SBI ने कर्ज पर ब्याज अप्रैल 2016 के बाद पहली बार बढ़ाई है। बैंक की एक साल के कर्ज पर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट 7.95% थी। इसमें 0.20% अंक की वृद्धि कर दी गई है। इसके साथ ही 6 महीने के कर्ज पर MCLR 0.10% बढ़ाकर 8% रखी गई है। 3 साल की अवधि के कर्ज पर ब्याज दर को 0.25% बढ़ाकर 8.35% किया गया है। हालांकि देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने एक दिन पहले ही अपनी खुदरा और थोक जमा दरों को 0.75% तक बढ़ाया है। 1 करोड़ रुपए तक की खुदरा जमा दर में 0.50% तक वृद्धि की गई है। SBI की तरह ICICI और PNB ने भी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट में 15 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। HDFC और कुछ अन्य बैंक अगले सप्ताह इस पर फैसला ले सकते हैं।